हाँ जी, तो मैं बताता हूँ कि इसमें हमने जो काम किया है उसके बारे में सारा कुछ बताता हूँ आपको। ये सबसे पहला नंबर, ये वुडन का वर्क हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर का जो भी इंटीरियर है, यानी कि जैसे कि स्टेयरिंग का कवर और गेयर का कवर और वुडन का ऑल वर्क, जितना भी आप देख रहे हैं, जितना भी आप देख रहे हैं, सारा वुडन का वर्क हुआ है। और इसके अलावा सीट कवर, सीट कवर के साथ साथ इस वाली सीट को, अपने लेफ्ट हैंड की सीट को 45 डिग्री में घुमाया है इसको। पीछे की तरफ भी बैठ सकते हैं, आगे की तरफ भी बैठ सकते हैं, और यहाँ से दिखाओ और भैया, ये हमने रिक्लाइनर का काम किया है इसके अंदर। रिक्लाइनर का काम किया है इसके अंदर, हमने तो फिर छह तो सीटें लगाई है रिक्लाइनर। रिक्लाइनर को सिर्फ सारी सीटें हटाकर छह सीटें लगाई है, और पीछे हमने सोफा लगाया है, दो सोफे लगाए हैं जिसमें दो बंदे एक सोफे में बैठ सकते हैं। और इस वाले सीट को मूवमेंट के लिए, जैसे हम पीछे एंट्री करने के टाइम पर जैसे हम यहाँ से आते हैं, यहाँ से स्पेस हमें कम मिलता है, इसके कारण इस वाले सीट को, ओनली इस सीट को मैंने स्लाइडर किया है। इस वाले सीट को स्लाइडर करके आगे करके, और हमें पूरा स्पेस मिल जाता है अंदर जाने के लिए, ताकि हम आसानी से अंदर जा सकें। और ये बैठने की इसकी ये पोजीशन है, और इसके अंदर हमने यूएसबी पॉइंट भी दिया है, और ये लीवर पॉइंट दिया है। इधर इधर दिखाना राहुल, यहाँ से हम बैक को मूवमेंट करेंगे, और इतनी हमने बैक आसानी से, जाके ताकि पीछे का जो बंदा बैठा हुआ है उसको भी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हमने रिक्लाइन उसको कम किया है, ठीक है जी। और इसी से ऑन ऑफ, मतलब जो भी है, आगे पीछे भी हो गोल जाएगा। मारा, गोल ये मारा। स्लाइडर इसके अंदर हमने नहीं दिया है, क्योंकि इसके अंदर स्पेस का इशू रहता है। और आगे की तरफ फुटरेस का भी काम, और पीछे की साइड में ये रहा आपका सोफा, इसके अंदर भी आसानी से बैठ सकते हैं। और सीट बेल्ट, हर एक पॉइंट पर सीट बेल्ट का काम हमने किया है, ताकि पैसेंजर को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये हमारी सीट बेल्ट है, इस प्रकार से सीट बेल्ट आएगी, और यहाँ से खींचेंगे, और इस वाले ये रही आप इस तरीके से, जितने भी बंदे बैठेंगे सबके लिए अलग अलग सीट बेल्ट है। किसी प्रकार की कोई, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ कमी छोड़ी हो। ये हमारा डीसी लुक है रिक्लाइनर। इस सीट को दोबारा लेना सगे भाई, इस सीट को दोबारा अंदर कर लू। डीसी लुक रिक्लाइनर, ऑल रिक्लाइनर डीसी लुक। और ये सीट हम पीछे से अभी फोल्ड करके भी दिखाएंगे, पीछे का जो हमारा सोफा है इसको हम फोल्ड करके भी दिखाएंगे जी, ताकि कई बार कस्टमर कम होते हैं या अपना उनके पास सामान है, इटैची है, कुछ भी है, तो इन सीटों को फोल्ड करके अपना जो भी सामान है इस यहाँ पर असेंबल कर सकते हैं, ठीक है जी। यहीं से दोनों सीटें, और पीछे से भी डिग्गी भी खोलकर हम इन सीटों को फोल्ड कर सकते हैं। डबल फोल्ड है इसके अंदर, पीछे से मैं दूसरा फोल्ड भी दिखाऊंगा अभी आपको। सीट तो पीछे करो, इसको एक बार घुमा कर देखो, इस वाले सीट को, फ्रंट की जो लेफ्ट सीट है, हम पहले यहां से भी रिलीज कर सकते हैं। इसको पीछे करो, लेफ्ट सीट के अंदर हमने क्या किया, ये लीवर हमने राइट हैंड में दिया है, ताकि हम आगे और पीछे दोनों काम कर लें और उसको यूज कर लें, हमारा लीवर डिस्टर्ब ना हो। और यहीं से ही लीवर को एक बार रिलीज करना है, और सीट को पूरी घुमा देनी है, किसी प्रकार की कोई भी कहीं भी फंसने की, किसी भी चीज की, ना आवाज की, किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मैं पीछे से भी इसको फोल्ड करके, एकदम स्कॉर्पियो की तरह लुक है इसका, और पीछे से भी फोल्ड करके इसको हम डबल फोल्ड करके दिखाते हैं। ये रहा सिंगल फोल्ड, और उसके बाद ये डबल फोल्ड। कभी सामान की, जैसे लंबा सामान है, छोटा सामान है तो अपना ऊपर रख लिया, लंबा सामान है तो यहाँ से लेकर और लंबा सामान भी रख लिया इसके अंदर।
और ये दरवाजों का जो भी काम है, इंटीरियर का तो मैंने बताया ही था अभी आपको, क्या करता अंदर है का जो वो? भी गत्तों का जो भी आठ टोटल गत्ते हैं सभी का काम हुआ है। इनपे दिखाओ, फोकस करो रहा हूँ पहले। आठ टोटल गत्ते जितने भी हैं गाड़ी के अंदर गत्ते, सभी पे हमने ये कपड़ा लगवाया है। अच्छा एसी वेंट से लेकर रूफ साइड तक हमने वुडन वर्क करवाया जी।